नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मेरा नाम है तन्वी खुराना और इस सेशन में हम बातचीत करेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन कई तरीके के होते हैं, हम सभी जानते हैं, और वो एनवायरमेंट को कितना हार्म करते हैं कितना नहीं, हम एज इंडिविजुअल्स और एज सोसाइटी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर ओन एनवायरमेंट, इस बारे में हम आज बातचीत करेंगे। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप हमें फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर्स हैं 1800112199 और दूसरा नंबर है 1800111265। ये नंबर्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आपसे ये नंबर्स मिस ना हो जाएं, और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमें उसी वक्त फोन कर सकें। हमारा ईमेल आईडी भी है, अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ciet.kishoremanch@gmail.com पर आप हमें अपने सभी सवाल भेज सकते हैं। आप हमें YouTube पर लाइव देख रहे हैं इस वक्त, हमारा चैनल है NCERT Official, उसके लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सवाल लिख भी सकते हैं और हम तक पहुंच जाएंगे उसी वक्त। अगले 45 मिनट तक हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपके सभी प्रश्नों के सभी जवाब देंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं मिस्टर हरीश कुमार मीना, स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंसेज NCERT से, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो टॉपिक है आज का, ये क्लास 7th के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ऑल्दो ये जनरल टॉपिक है और सभी लोग इसे देख सकते हैं, और जो नॉलेज हमें मिलेगी वो सच में इम्पोर्टेंट होगी। तो आइए डिस्कशन जो है शुरू करते हैं। सर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को अगर आप लेमैन्स लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा? जी देखिए तन्वी, क्लास 7th के बच्चों के लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जी। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं उससे जो समझ बच्चों की है, तो बेसिकली जो हमारे पास आसपास का जो वातावरण है, जो हम देखते हैं चीज़ें, उसमें हवा की बात हम करते हैं, पानी की बात करते हैं, जो सॉइल है या जो आसपास की ज़मीन है उसकी बात करते हैं, घर के अंदर और घर के बाहर का जो भी परिवेश है, वातावरण है, उसकी हम बात करते हैं। तो उसकी एक कंपोजिशन है, एक नेचुरल कंपोजिशन है। अगर हम हवा की बात करते हैं तो उसकी एक कंपोजिशन है, कितनी मात्रा में उसमें नाइट्रोजन है, कितने में ऑक्सीजन है, कितने में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी जो गैसेज हैं। हम जब इसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का चेंज आता है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़, खासकर जो मानव के द्वारा जो अलग अलग क्रियाएँ हो रही हैं उसकी वजह से जो उसकी कंपोजिशन में जो चेंज आता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो वायु प्रदूषण की बात है, उसका एक इशू बनता है। okay. इसी तरह पानी है, पानी में अगर किसी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन। तो जो इन्वायरमेंट है हमारे तरफ, जो पर्यावरण है हमारे आसपास और ग्लोबल इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो उसकी जो नेचुरल कंपोजिशन, जो प्राकृतिक उसकी अवस्था है, उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन होता है तो फिर हम, और उसको हम फिर कहते हैं कि वो जो नेचुरल उसकी सेटिंग है उससे वो पॉल्यूट हो गया या उसमें जो चेंज हुआ है, और वो चेंज हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओके okay. एक बड़ी वो रहती है लोगों में कि हम अपने आप को साफ रखें या स्वस्थ रखें तो हम शायद ज़्यादा, मतलब हमारे लिए सेफ है। तो खुद के लिए तो सेफ है वो, लेकिन जब तक आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो अगर पॉल्यूटेड है तो कहीं ना कहीं वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है, और फिर उसका जो नुकसान कम्युनिटी एट लार्ज, हम सबको होता है, और आप एज ए इंडिविजुअल उनको भी, लोगों को भी होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि साफ हवा, पानी और जो चीज़ें हैं वो हमारे पास, जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो रहें, तो हमारी सेहत के लिए और सबकी सेहत के लिए वो अच्छी है। ओके तो जैसे ही आपने बताया कि ये अलग अलग तरीके के होते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पानी होता है, हवा होती है, तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करें। हाँ जी जरूर। देखिए आज का जो हमारा सेशन है उसके तीन मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो जो पॉल्यूशन है उसके बारे में समझ बनाना, उसके सोर्सेज क्या है, जो अलग अलग पॉल्यूशंस की हमने बात की उसके सोर्स क्या हैं, और
किस प्रकार हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो किस प्रकार हम लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा जो उससे होने वाले नुकसान हैं, हेल्थ हैजार्ड्स इसमें हो सकते हैं या और कई जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और किस प्रकार अवेयरनेस लोगों में हम कर सकते हैं कि किस प्रकार वो अपने पर्यावरण को और सुरक्षित बना सकते हैं खुद से भी और जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद से। तो ये एक उद्देश्य से हम कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों की समझने के लिए। जी। तो अब मोटी मोटी जो बातें हैं हम लोग देखेंगे, जैसे एयर पोल्यूशन की आपने बात की, तो ये है कि हवा में या पानी में कुछ भी जो नेचुरली उसमें है उसमें अगर किसी तरह के कंपोजिशन में चेंज आता है तो वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, और ये सारी जो चेंज है ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता है कई बार, तो उसको हमें समझने की ज़रूरत है और उसके बनाने उसके लिए जो प्रयास करने चाहिए हमें वो करने की ज़रूरत है। जी। तो सर आपने एक तो बताया कि एयर पोल्यूशन होता है, एक वाटर पोल्यूशन होता है, एक सॉइल पोल्यूशन भी होता है। जी, सॉइल पोल्यूशन के भी बात करेंगे हम लोग, स्टेप वाइज चलते हैं ताकि लोगों को बच्चों को समझ में आए, क्लास सेवन्थ के बच्चे हैं और जो भी देख रहे हैं तो एक समझ उनकी बने। तो एयर हम तीन पांच प्रकार के पोल्यूशंस की आज बात करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, उसके सोर्स क्या है और किस प्रकार हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, फिर वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सोइल या लैंड पॉल्यूशन, और जो हमारे पास की जो आसपास का जो सराउंडिंग्स हैं उसको उसमें जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एयर पॉल्यूशन की, तो हवा है कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और केवल मनुष्य के लिए नहीं, बाकी जो हमारे और जीव जंतु हैं उनके लिए भी है हवा, और साफ हवा बहुत ज़रूरी है, और अगर वो हवा प्रदूषित है तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे उसका दुष्प्रभाव होता है। तो हवा स्वस्थ साफ हवा और इसमें जो पॉल्यूशंस हैं उसके अंतर को समझना और उससे जो इफ़ेक्ट अलग अलग तरह की बीमारियां हैं वो बच्चों को समझनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि किस प्रकार वो अपने आप अपने लेवल पे और कम्युनिटी को एनकरेज करें जो एयर पॉल्यूशंस के डिफरेंट फैक्टर्स हैं उस पे काम करने के लिए। जी। तो सर हमारे हेल्थ पे भी एयर पॉल्यूशन का बहुत नेगेटिव फर्क पड़ता है। जी। आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो अगर जो हमारे आसपास की जो हवा है अगर वो प्रदूषित है तो उससे कई प्रकार की चीज़ें और नुकसान बीमारियां हमें हो सकती हैं, जैसे खांसी हो सकती है। अगर हम खासकर शहरों में या गांव में भी जब हम देखते हैं कि फसल की जब कटाई होती है और जब निकाला जाता है धान या गेहूं वगैरह, तो उस टाइम हवा में बहुत से फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर उस तरह की हवा हम लेते हैं तो उससे खांसी और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम देखने को पाते हैं। और अगर गैसों जो कंपोजिशन है उसमें अगर बहुत मात्रा में इस तरह की गैस है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खासकर जिस शहरी परिवेश में जब देखेंगे कि बहुत क्राउडेड एक ऐसी मार्केट प्लेस में या ऐसी जगह पे हम पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हों, बहुत सारा धुआं निकल रहा हो, तो जो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और धीरे धीरे अगर उसी तरह के पर्यावरण में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बाद में हमें और कई बीमारियाँ जो सांस से रिलेटेड है उस से भी हम प्रभावित हो सकते हैं। बहुत लोगों को एलर्जी होती है, अलग अलग तरह की छींक आती है या नाक से पानी वगैरह आना, या फिर जो सांस लेने की जो हमारी सांस की नली है उसमें कई प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, और जो लंग्स हैं हमारे उनको भी काफ़ी मात्रा में ये इसका जो एयर पॉल्यूशन है उसका प्रभाव होता है। तो मेन चीज़ यही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे करता है और डिस्चार्ज जो हमारे आँखों से या नाक से पानी, कई बार इरिटेशन होता है गले में, आँखों में इरिटेशन हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रदूषित वातावरण में हम रहते हैं और सांस लेने में दिक्कत है लंग्स को, और इनको अस्थमा एक बड़ी बीमारी है जो जिसको और बढ़ा देता है ये जो एयर पॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि
कि इसके क्या क्या नुकसान हवा से हो सकते हैं जी, प्रदूषित हवा से खासकर। तो सर अगर हम सोर्सेस की बात करें कि हमारा जो हवा है आसपास वो गंदा आखिर होता कैसे है? जी एक्चुअली एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं आपने बात की तो अभी कुछ दिनों पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन के 10-15-20 दिन बाद आपने देखा होगा कि कुछ फोटोज़ सोशल मीडिया पे और अखबारों में पब्लिश हुई थी जिसमें सहारनपुर से लोग हिमालय को देख पा रहे थे या फिर लुधियाना से लोग क्लियरली। जी जी जी, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। तो अब आप देखिए कि लॉकडाउन से कई सारी एक्टिविटीज़ हमारी प्रभाव बंद हो गई थी, तो और उनका ये प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे हमारी हवा ऑटोमेटिकली अपने आप पर्यावरण से वो साफ हो गई। और जो बहुत जो कभी शायद इस जनरेशन में जो नई जनरेशन है उसने शायद कभी देखा नहीं हुआ कि इतनी दूर से हिमालय अपनी आँखों से दिख जाता हो। तो जब हम इसके सोर्सेज की बात करेंगे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। अगर मोटा मोटा हम इस पे बात करें तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं और फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जो चिमनियाँ हैं उनकी, इसमें कई तरह की फर्टिलाइज़र हो सकती हैं या और भी कई तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से गैसों का या धुआं चिमनियों के द्वारा निकलता है जी। तो उसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं और कई तरह की गैसेस होती हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स या अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें हैं जो एक मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का, जो चारों तरफ फैलती है और फिर उससे हमें कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्रीज है जहाँ ऐसा डायरेक्ट कोई चिमनी से पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन उनकी बहुत सारी जैसे कटिंग इंडस्ट्री है या मार्बल का आपने देखा होगा, स्टोन क्रेसर है, तो इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। या अगर कहीं पे मशीनें भी बन रही हैं मेटलिक इंडस्ट्री, तो जो उनकी कटिंग होती है तो उससे बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं जो हवा में जाते हैं और वो फिर एयर जो हवा है उसको पॉल्यूट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक मेजर इसका सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। इसके अलावा जो जब हम दूसरे सोर्स की बात करते हैं पॉल्यूशन का, तो उसमें जैसे जो व्हीकल्स हैं जी, जो गाड़ियां हैं उसमें ट्रक वगैरह हैं, बसेस हैं और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, कार हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं, स्कूटर्स हैं, तो इनका भी बहुत रोल होता है। एक तो होता है कि जो फ्यूल जो इनमें यूज़ होता है डीजल हो या पेट्रोल, तो उससे जो धुआं निकलता है उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हवा में मिलती है और हवा को प्रदूषित करती हैं। और कई बार होता है कि उससे अगर आप एक रेगुलर इस तरह के शहर में या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको कई तरह की बीमारियाँ होने का खतरा रहता है। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अब व्हीकल्स जब चलते हैं तो जो उनके टायर घिसते हैं जी, उसका भी उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता नहीं है, ज़्यादातर हम फोकस करते हैं। तो जो इतने व्हीकल्स चलते हैं जो उनके टायर्स घिसते हैं, तो वो रबर के फाइन पार्टिकल्स हैं वो भी हवा में मिक्स हो जाते हैं और फिर जो पैदल चल रहे होते हैं या जो लोग रोड साइड खड़े होते हैं या जो और कई तरह के से ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रैफिक में, तो वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलके वो रबर के फाइन पार्टिकल्स भी हमारे अंदर जाते हैं शरीर में और वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि जो व्हीकल्स हैं उनका भी काफ़ी रोल है सोर्स एज ए एयर पॉल्यूशन। ओके जी, इसके अलावा एक और बात है जो आजकल हम ध्यान देने लगे हैं धीरे धीरे, इंडोर एयर पॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं जी। तो घर में होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे भी जो घर के अंदर का जो हवा है वो दूषित हो जाती है। कई बार हम जैसे खाना वगैरह बना रहे होते हैं या फिर और कोई काम हम घर में इस तरह का कर होता है, और अगर वो जो घर है हमारा अगर उसमें वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो जो अंदर की हमारी जो हवा है जिसको हम घर में रहते हैं और लेते हैं, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करती है और उससे भी हमें कई प्रकार के जो बीमारियां हैं वो होने का खतरा है। तो ज़रूरत है कि हमारा घर का जो हवा है वो भी साफ़ हो और बाहर सराउंडिंग जो है हमारी
वो भी साफ हो, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास हैं जो एज ए इंडिविजुअल हम लोग कर सकते हैं, जो अब हमारी आदतें हैं उनको हम बदल सकते हैं। और इसके अलावा जब हम बाहर की बात करते हैं तो कम्युनिटी है उसको थोड़ा सा इनक्रेज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पे हम कंटिन्यूस प्रेशर बना सकते हैं, या सेंसिटाइजेशन जो इंडस्ट्रीज़ का है वो कर सकते हैं। तो उस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या मेजर्स इसमें हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के। जी जैसा लॉकडाउन से पहले जब हम लोग मेट्रो स्टेशन में भी जाते थे तो बड़े बड़े टीवी लगे होते थे, उसमें एयर पोल्यूशन चेक करके पीएम लेवल नज़र आता था, पुअर और बैड और गुड एवरेज, तो ये किस तरह से चेक किया जाता था और कितना कैसे चेक किया होता है एरिया वाइज स्टेट वाइज? बेसिकली जो ऑथेंटिक डेटा हम लोग देते हैं तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो उनकी बहुत से जगह अपनी वो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो रिलीज करते हैं, उसमें अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, सल्फर की कितनी है, फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं वो उसका क्या लेवल है, SPM जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल्स, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यूजली अब धीरे धीरे अवेयरनेस है बढ़ रही है, जब हम लोग जब इस पर थोड़ा सा काम मैंने जब किया तब इतना डेटा अवेलेबल नहीं था, अगर दिल्ली में देखें तो 4 स्टेशंस थे और बाकी और सिटीज़ में 1-1 स्टेशंस थे, लेकिन आजकल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है और दिल्ली जैसे शहरों में या मेट्रोज में काफ़ी सारे स्टेशंस हैं जहां पे जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करती है, सरकार भी करती है और काफ़ी सारे और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉल्यूशन पे काम कर रही हैं या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे काम करती हैं, तो वो भी अपने लेवल पे अपने जो भी इंस्टीट्यूट है तो अलग अलग स्टेशंस पे क्वालिटी को चेक करते हैं एयर का, और उसके बेसिस पे हम लोग डेटा, आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स में भी एक लास्ट में आता है तो उसमें भी वो क्वालिटी दिखाते हैं। और ख़ास बात यह है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर दिल्ली जैसे शहर की हम बात करें तो जो एयर क्वालिटी थी वो ग्रीन लेवल जिसको हम कहते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है तो वो थी, और सभी लगभग देश के सभी शहरों में। तो इससे एक चीज़ हम लोग बच्चे समझ सकते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम रिस्ट्रिक्ट करें और उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन तो फेवरेबल नहीं क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है साथ में, लेकिन अपनी आदतों को अगर हम उस हिसाब से बना लें जो पर्यावरण के अनुकूल हों तो हम लोग जो हवा की जो क्वालिटी है उसके ऊपर चेक कर सकते हैं, उसको एट लार्ज अपने फेवर में उसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। Okay. तो वो है। अब अगर मेजर्स की बात करें तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएट होना चाहिए, जैसे कि जितने भी जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के और उससे रिलेटेड जितने नॉर्म्स हैं, जैसे व्हीकल्स के लिए स्टेज यूरो यूजुअली प्रचलित होता है, लेकिन अब हमने अपना एक उसका नॉमनक्लेचर तो भारत स्टेज 6 में हम लोग पहुंच गए हैं व्हीकल्स हैं जो, ताकि उसके जो पॉल्यूशन जो भी धुआं वो छोड़ते हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, उस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें और भी बहुत सारे नॉर्म्स हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के, तो इंडस्ट्रीज़ हैं जो पॉल्यूट कर रही हैं या कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो जो नॉर्म्स हैं उसको स्ट्रिक्टली हम इन्फोर्स करें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ। इसके अलावा एयर फिल्टर्स हैं, जैसे कि अगर व्हीकल्स में हम बात करें तो कैटलिक कन्वर्टर हैं जो साइलेंसर वगैरह में लगते हैं, और इंडस्ट्रीज में भी उस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी या एयर फिल्टर्स को हम लोग लगा सकते हैं ताकि कम से कम हवा और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फाइन पार्टिकल्स हैं वो हवा में जाएं, तो ये एक ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल देखा जैसे एम्स में अगर आप कभी गए हो जो दिल्ली में है तो वहाँ पे वो हवा को साफ़ करने के लिए उन्होंने अपना एयर प्यूरीफायर वगैरह भी लगा रखे हैं, तो वो एक अलग है इशू, लेकिन उस पर भी हम उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज हैं या जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है एयर पॉल्यूशन, तो वहाँ पे इस तरह के इंस्टॉलेशन एयर प्यूरीफायर किए जा सकते हैं। और एक जो बड़ी चीज़ हम सबको देखने को मिलती है या जिसकी ज़रूरत आज हम महसूस करते हैं उसमें है कि
यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इसको अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और इस पर काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है ताकि इसको मोर इकोनॉमिकल बनाया जा सके, और साथ में है कि जो हमारी जो नीड है उसके हिसाब से उसको चेंज किया जा सके। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे ज़्यादा इसमें संभावना है एयर पोल्यूशन को रोकने में, तो उसके उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करें। और जो शॉर्ट डिस्टेंस में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ लिमिटेशन ये है कि कभी हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो तो नहीं जा सकते उनसे, और चार्जिंग का भी एक इशू है जो चार्जिंग में टाइम लगता है, तो उस नए इस तरह की कोशिश की जानी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे हों जो जल्दी चार्ज हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हम उनसे कवर कर पाएं, तो वो भी है। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जहाँ डेली आसपास आपको जाना है, छोटे शहरों में इसका यूज़ हो सकता है। इसके अलावा सीएनजी से जो चालित व्हीकल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, और उस तरह के व्हीकल्स आप खरीदें, और इकोनॉमिकल भी है बहुत अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं और सीएनजी जो आपकी जेब पे जो वजन पड़ता है उसको हल्का करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एट ए लार्ज स्केल पर हम कर सकते हैं। अगर एज एन इंडिविजुअल आपको अपनी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ चेंज करना हो तो उसमें हम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, खासकर शहरों में जब हम देखते हैं तो लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं तो उसको यूज़ करना चाहिए। कार पूलिंग अगर आप चाहते हैं कि अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो कार पूलिंग की जो चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अगर एक किसी ऑफिस में एक ही साइड से आ रहे हैं तो आप कार पूल करके आ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में तो मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और ख़ासकर दिल्ली में हम देखें कि मेट्रो के साथ फिर आपको अपने ऑफिस तक या घर तक ट्रैवल करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स की भी व्यवस्था की गई है या साइकिल्स की भी व्यवस्था है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ये रहेगा कि आपकी साइकिलिंग थोड़ी हो जाएगी तो आपके स्वास्थ्य को भी थोड़ा फ़ायदा पहुंचेगा और फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एज ए इंडिविजुअल कर सकते हैं। कोशिश करें आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं तो थोड़े से पेड़ पौधे आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि वो जो पॉल्यूटेड एयर है उसको कंज्यूम करें। तो प्लांटेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है जो एज एन इंडिविजुअल आप कर सकते हैं। पॉल्यूशन तो ये कुछ चीज़ें होगी जो केमिकल पॉल्यूशन या हवा में उस तरह जाए, इसके अलावा बहुत सारा जो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उसके भी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होने से भी दिक्कत होती है। तो जो भी आपका डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है, कचरा है, उसको आप प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करें तो उससे भी हम जो हवा में और जो पॉल्यूशन करते हैं उन चीज़ों से हम बचा सकते हैं। अगर हम ग्रामीण परिवेश में बात करें तो बहुत से घरों में अभी चूल्हे इस तरह के यूज़ होते हैं जिसमें लकड़ी यूज़ की जाती है, तो कोशिश करें कि स्मोकलेस चूल्हे हों या जो उन्नत चूल्हा जो हम देखते हैं जिसमें कम से कम धुआं है जो अंदर रहता, बाकी वो एक चिमनी से बाहर की तरफ निकल जाता है और इंडोर एयर पॉल्यूशन को भी कम करता है। तो जो स्मोकलेस चूल्हे हैं जो कम धुआं करते हैं या उस तरह के ईंधन का आप उपयोग करें, कोशिश करें जहाँ तक हो। LPG है तो भारत सरकार की भी काफ़ी योजनाएं हैं जिसमें आप LPG सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा के और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का हम प्रयोग करें जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन है वो कम से कम हो। और जब बात करते हैं एट लार्जर स्केल पे, जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो और बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें सोलर एनर्जी की जब हम बात करते हैं या फिर विंड पावर है, टाइडल है, जियोथर्मल और बायोमास एनर्जी, तो जो बेसिकली थर्मल प्लांट्स जो हैं तो उससे भी काफ़ी पॉल्यूशन होता है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनके ऊपर फोकस करें और उनको यूज़ करें। सोलर एनर्जी तो हर जगह अवेलेबल है, विंड पावर की थोड़ी सी और टाइडल और जियोथर्मल की लिमिटेशन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स हम लोग इंस्टॉल करें अपने घरों में और जो ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो जो पावर की सप्लाई जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं थर्मल पावर जो हम यूज़ करते हैं तो उस पे उसका बोझ कम पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को उससे
फ़ायदा होगा। बहुत देखने का आया है कि जो डंपिंग साइट्स हैं वहाँ पे कचरे को ऐसे ही जला दिया जाता है, तो उससे भी कई तरह की गैसेस, या ओपन जो कचरा हुआ उससे कई तरह की गैसेस निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो उस तरह उसको अवॉइड किया जाए और प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाए, और वेस्ट मटेरियल जैसे पेपर्स हैं, मेटल्स हैं, क्लोज ग्लास हैं, इनको आप जब डिस्पोज करें तो थोड़ा ध्यान से और प्रॉपर डिस्पोजेबल डिस्पोज ऑफ हो उसका, ताकि किसी तरह का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, खासकर एयर पॉल्यूशन नहीं हो। जी सर, अब अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूशन की तो जी तो वाटर पॉल्यूशन देखिए, हवा के साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारे लिए ज़रूरी है वो पानी है, कि पानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है हवा के बाद। देखिए अगर 70% जैसे कहते हैं लोग कि पानी है, और महासागरों में और जितना समंदर है पानी है, लेकिन केवल 2% पानी ऐसा है जो हम पी सकते हैं, और इसका बेसिकली सोर्स जो है बारिश से, या फिर जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, जो हाई एल्टीट्यूड पे जो बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पे ग्लेशियर के रूप में, वो पिघल के जब आती है नदियों के सहारे, तो वो तो ये दो सोर्स हैं। इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी एक सोर्स है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो शेयर है काफ़ी कम है जी। तो इसलिए हमें जो वर्षा का पानी है उसको, या जो हमारी नदियों में जो पानी है वो, और जो ग्राउंड वाटर, उन तीनों को हमें बचा के रखना है। और अगर हम लोग उसको बचाएंगे नहीं, तो ऑलरेडी दो परसेंट जो पानी है जो जिसको हम पी सकते हैं या जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो और पॉल्यूट हो जाएगा, और जो अवेलेबिलिटी है हमारी फ्रेश वाटर की वो कम हो जाएगी। और इससे है कि जो जितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होगा उससे फिर और बीमारियां काफ़ी होती हैं पानी, प्रदूषित पानी से, तो उसका भी अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा। इसके अलावा जो और जीव जंतु हैं, मनुष्य के अलावा जो पर्यावरण में या धरती पे जो और जीव जंतु हैं, पॉल्यूशन वाटर प्रदूषित पानी से उनकी भी जो ज़िंदगी है उसको खतरा बहुत सा, आपने देखा होगा नदियों में मछलियां मर जाती हैं, या समंदर में भी अब हम देखने को मिलता है, या जो छोटे तालाब हैं या बड़े तालाब हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से जो उसकी एक्वेटिक लाइफ है, चाहे उसमें मछलियाँ हों या और जीव जंतु हों या जो पेड़ उसमें जो पानी के हैं वो, तो उन सब पे असर होता है। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें फूड चेन के माध्यम से हमें भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो एट लार्ज वाटर पॉल्यूशन पे भी हमें ध्यान देना है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम इस पे काम करें, और जो हमारे पास जो लिमिटेड पानी है पीने का उसका सीमित उपयोग करें। एक तो बहुत ज़्यादा उसको वेस्ट ना करें, और कम से कम मात्रा में कोशिश करें कि जो पानी अवेलेबल है उसको प्रदूषित होने से बचाएं। जी। तो सर, अगर हम वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से होंगे? जी, वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो मैं फिर से लॉकडाउन की एक बार चर्चा करूंगा कि जब लॉकडाउन 2 स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही थी, खासकर दिल्ली से भी कई चैनल्स ने दिखाया था कि यमुना का जो पानी है एकदम साफ हो गया, और गंगा में भी हमने देखा कि काफ़ी साफ पानी देखने को मिला ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो और साफ इतना था कि ऑटोमेटिकली जहाँ सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है गंगा सफाई के उस कार्यक्रम पे, योजना पे, और यमुना सफाई के, तो वो अपने आप नेचुरली पानी काफ़ी मात्रा में वो साफ हो गया। तो फिर से वही चीज़ आ जाती है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कहीं ना कहीं उसका काफ़ी बड़ा रोल है जो पानी है उसको प्रदूषित करने में। तो अलग अलग सोर्सेज, तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ ही हैं, जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जो पानी या उनका जो वेस्ट है, इसमें चमड़ा उद्योग भी है और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पानी से रिलेटेड काम होते हैं, तो उनका जो वेस्ट डिस्पोजल है वो बिना ट्रीट किए पानी को, उसका बिना उपचार किए, और वो नदियों में या नालों में उसको बहा देती हैं, तो वो एक मेजर सोर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वाटर पॉल्यूशन का। तो वो है। इसके अलावा जो सोर्स है, डोमेस्टिक सोर्स है, जो पानी हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं या घर में जो किचन में जो यूज़ होता है, तो उसमें जो अलग तरह के डिटर्जेंट्स हैं या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कई बार वेस्ट है, फूड वेस्ट है, तो वो उसमें जाता है, तो वो भी एक मेजर सोर्स है इसका। तो जो और सीवेज है वो जब जाके मिल जाता है
और ये भी एक सोर्स है उसका, बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में जब मिल जाता है, या एक कई शहरों में आपने देखा होगा पानी इकट्ठा हो जाता है और गंदा पानी जो प्रदूषित पानी है, तो वो फिर नीचे जब जमीन में जाता है तो वो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको भी पॉल्यूट कर देता है। तो ये कुछ मेजर सोर्सेज हैं जो इसके पानी के हैं। इसके अलावा अगर ग्रामीण परिवेश में देखें तो जो खेती के लिए हम पानी यूज़ करते हैं खेतों में, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो वो पानी जब बारिश होती है या जब जब हम सिंचाई करते हैं तो धीरे धीरे जमीन में जब सोखती है उसको, तो ग्राउंड वाटर में भी उन फर्टिलाइजर्स का केमिकल्स का मिक्स हो जाता है, और अगर बारिश में पानी बहता है और नदियों में तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो जो फर्टिलाइजर्स हैं या केमिकल्स हैं जो रन ऑफ के साथ, एग्रीकल्चर रन ऑफ के साथ जाते हैं, तो वो भी इस पानी को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा आप जब गाँव में हमारे जो तालाब हैं, छोटे छोटे तालाब, उसी के आसपास हम लोग अपने जो नित्य कर्म है वो करते हैं, या फिर वहीं नहाते हैं, वहीं कपड़े धोते हैं, तो उससे भी वो जो वाटर पॉल्यूशन या वाटर बॉडीज़ हैं जो लोकली अवेलेबल हैं हमारे गाँव में या आसपास, तो वो प्रदूषित होती हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं। इसके अलावा माइनिंग वगैरह भी हैं जो आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं लोकली उनको प्रदूषित करती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ हो गया, हमारी जो डोमेस्टिक यूज़ है पानी का उससे जो होता है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो ये एक मेजर सोर्स है जो हमारा जो पानी है उसको प्रदूषित करते हैं। ओके जी जी सर, इसी को ध्यान में रख के अगर हम मेजर्स की बात करें कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? हाँ, तो आप देखिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उस पे, फिर से मैं बात करूँगा इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ की है, कि जो पानी वेस्ट जा रहा है इंडस्ट्रीज से तो उसमें उसको ट्रीट किए बिना वो ना छोड़ें, और कोशिश करें कि कम से कम छोड़ें, और उसका ट्रीटमेंट करके अगर रीयूज़ की उसमें पॉसिबिलिटी हो तो वो करें, और उससे रिलेटेड जो एक्ट्स हैं या जो भी लॉ है उसको उसमें स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें। इसके अलावा डोमेस्टिक जो हम एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं, तो हम जो आपने आसपास के जो भी तालाब हैं या कुएं हैं या जो और पानी के जो सोर्सेज हैं उसमें प्लास्टिक हो या इस तरह की चीज़ें हो या डिटर्जेंट्स हैं या नहाने धोने के लिए तो यूज़ करें, तो उस पर भी ध्यान रखें। साथ में घर में भी कि कम से कम हम पानी यूज़ करें जितनी हमारी ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो पानी हमारे काम आ सकता है या और लोगों के जहाँ पे समस्या है उनके काम आ सकता है। और जो कचरा है वो भी हम कई बार नालियों में फेंक देते हैं या उस तरह, तो उससे जो ब्लॉकेज हो जाता है वो भी कहीं ना कहीं पानी को प्रदूषित करता है। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो ट्रीट नहीं हो सकते, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और कम्युनिटी एट लार्ज, जैसे मैंने वही बात की कि जो सीवर सिस्टम है हमारा उसको भी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, और उसका डिस्पोजेबल हो, और साथ में जो सीवर से जो पानी जा रहा है उसमें बहुत सा पानी ऐसा है कि जो हम ट्रीट करके रिसाइकिल करके और रीयूज़ कर सकते हैं, खासकर पेड़ पौधों में पानी देने में या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें, जो पीने के अलावा जो पानी है उसके एक्टिविटीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। और खासकर स्वास्थ्य के उससे देखें तो पानी उबाल के ही पिएं और फिल्टर पानी फिल्टर यूज़ करें, और एक बहुत बड़ी जो आरओज में हम लोग घरों में आजकल फैशन हो गया कि आरओ यूज़ करते हैं जी। तो वो भी एक वेस्ट का भी कारण है, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें। तो आप पहले आप अपने जो वाटर है उसका, जो भी आप ड्रिंकिंग और सोर्स है उसको एक बार चेक करा लें कि क्या आपको वहाँ पर आरओ की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी पानी है जो हम फिल्टर करके ही पी सकते हैं, उसके लिए आरओ की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि आरओ में काफ़ी पानी वेस्ट होता है जी। तो आरओ और फिर फिल्टर है जो उसको आप देखना चाहिए जब यूज़ करते हो। और सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन किए आरओ के यूज़ पे, तो वो एक चीज़ है और जो पानी की उससे हमें बचा सकता है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो देखने को हमें ज़रूरी है, और इंडिविजुअल लेवल पे आप काम कर सकते हैं, कम से कम पानी वेस्ट करें और कम से कम पानी पॉल्यूट करें
बिल्कुल सर, अगला है नॉइस पोल्यूशन। अगर नॉइस पोल्यूशन के बारे में आप बताएंगे तो उसके सोर्सेज मेजर्स जी हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। हवा पानी के बाद जो एक और है जो नॉइस पोल्यूशन है वो एक भी हमारी जिंदगी को काफ़ी इफेक्ट करता है और साइकोलॉजिकल तो काफ़ी करता है। तो इसके देखेंगे कि और पॉल्यूशन हर तरह से जब बाहर निकलते हैं हम तो वो एक पॉल्यूशन है, घर में हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं उससे जो पॉल्यूशन होता है वो है। तो अगर नॉइस पॉल्यूशन की बात करें तो अनवांटेड साउंड जो भी प्रोड्यूस होता है चाहे वो गाड़ियों का हो या एरोप्लेन्स का हो, इंडस्ट्रीज़ का हो तो या कम्युनिटी फंक्शंस, हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रोक लगा रखी है कि रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर और इन पे रोक लगी हुई है और स्ट्रिक्टली कई जगह इसको किया जाता है। तो ये नॉइस पॉल्यूशन है जो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक शांति है उसको भंग करता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और इससे कई तरह की बीमारियां भी हैं जिस पे हम बात करेंगे। घर के अंदर जब हम बात करते हैं तो कूलर ग्राइंडर है या टीवी बहुत तेज आवाज़ में हम लोग चलाते हैं उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और बाकी जो अप्लाइंसेस हैं घर में जो हम यूज़ करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसको नॉइस पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन से क्या नुकसान हो सकते हैं तो इसमें जो चीज़ें हैं कि आपकी जो आवाज़ या सुनने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है, कंटिन्यूस इस तरह के माहौल में रहने से सिर दर्द या कई बार आपका जो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आप कई बार होता है कि आवाज़ से आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो या कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। साइकोलॉजिकल जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं उसमें इरिटेशन हो जाता है कंटिन्यूस, आप अगर इस तरह के वातावरण में रहते हैं कंसंट्रेशन आपकी ख़राब हो जाती है, नर्वस और डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी हम लोग देखने को आई हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नॉइस लेवल है वो हम मेंटेन करें और उसके जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उस पर हम बात करें और कोशिश करें अपने इंडिविजुअल लेवल पे कि कम से कम हम इस तरह के पॉल्यूशंस खासकर नॉइस पॉल्यूशन पे चेक करें। और अगर हम इसके मेजर्स की बात करें तो इसमें जैसे कि हमने हमारे स्टूडियो में आपने देखा होगा कि इस कमरे के चारों तरफ लकड़ियाँ लगाई हुई हैं जी, तो इसका कारण है कि जो अनवांटेड नॉइस यहाँ होगी उसको अब्सॉर्ब कर लेता है वो, बहुत ज़्यादा इको नहीं होती है। तो इसी तरह कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो जो साउंड वेव्स हैं उसको वो अब्सॉर्ब करने की होती हैं उससे, तो वो एक मदद मिलेगी। इसके अलावा जो नॉर्म्स हैं जो साउंड रिलेटेड उनको इन्फोर्स करें, जो हमारे पास मशीनें हैं इंजन्स हैं गाड़ियाँ हैं उसके डिज़ाइन इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा करें कि वो कम से कम नॉइस, आपने पहले देखा होगा कि जनरेटर होते थे जो बहुत तेज़ आवाज़ करते थे, आजकल साइलेंट जनरेटर आप आ गए हैं, तो उस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी को हम फॉलो करें जो लार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में आवाज़ें आती हैं वो, और घर में भी हम कोशिश करें कि जो टीवी के लेवल्स हैं उनको लो रखें, कम उसमें बात करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम जो अपने आसपास का जो नॉइस पॉल्यूशन है उसके लेवल को हम लोग कम कर सकें जी। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है जी। मैं कंक्लूड करता हूँ, जस्ट जो आपने सॉइल पॉल्यूशन की तो उसमें फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा रोल है, जो वो ज़मीन में मिल जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसको ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा जो पेड़ वगैरह जो कट जाते हैं वो है, और एक डंपिंग जो वेस्ट है हमारा जो लैंडफिल्स में करते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कचरा है उसको हम जब ज़मीन के साथ वो मिक्स हो जाता है पॉलीथीन्स वगैरह, तो वो भी सॉइल को पॉल्यूट कर देता है, फिर वो किसी काम की नहीं रहती। तो उस पर भी हमें ज़रूरत है कि हम लोग ध्यान से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको उसके ऊपर काम करें। ओके थैंक यू सर। पॉल्यूशन जैसा कि आपने कहा कि बहुत हानिकारक होता है और हम अब एज इंडिविजुअल्स एज सोसाइटी टुगेदर हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं ये पॉल्यूशन कम करने के लिए, और लॉकडाउन में बहुत सारे चेंजेस हमने ऑलरेडी देखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये जारी रहें और हम बिहार से और सहारनपुर से भी अभी भी हिमालय देख सकें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, जी.
सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और क्योंकि सर सभी सवालों का जवाब दे ही रहे थे मेरे साथ साथ, इसीलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने भी ये नॉलेज ज़रूर ग्रास्प की होगी जिस तरह मैंने की। थैंक यू एक बार फिर से, हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाएगा क्योंकि हम 2:30 बजे एक घंटे के बाद फिर से वापस आएंगे एक और सेशन लेकर, म्यूज़िक का ये सेशन जिसका टॉपिक है राग यमन। राग बहुत सारे तरीके के होते हैं लेकिन राग यमन बहुत खास होता है, किस तरह खास होता है ये जानने के लिए आप 2:30 बजे एक बार फिर से एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पे जुड़िए हमारे साथ एनसीईआरटी ऑफिशियल, और उसमें लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखिए और उस सेशन को इंजॉय भी कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर ही रहिए और लॉकडाउन अभी भी जारी है तो साथ में अपनी एजुकेशन का बिल्कुल नुकसान मत होने दीजिएगा। एनसीईआरटी का ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल देखते रहिए। नमस्कार।